हे माँ, दिख नहीं रही ना? नहीं दिख रही। कहाँ चली गई होगी? पता नहीं। हे, यही वो औरत का घर है। हाँ, क्या ढूंढ रही है? भाई सवारी के लिए कहां से जाना है? उस तरफ जाओ। चाय पीजिए, तू भी ले ले बेटी, और थोड़ी देर वेट करो, वो आ जाएंगे। नमस्ते भाई। अब्बा। स्कूल नहीं गया बेटा? नहीं गया अब्बा। मम्मी कहाँ है? अंदर है। कॉफी वगैरह पिया आपने? हाँ भाई पिया। ठीक है बैठिए, इसे माँ को दे दो और उनसे बोलो आने के लिए। मम्मी, आपको बुला रहे हैं। उनको अंदर आने के लिए बोलो। ठीक है जी, अंदर आइए। तुम थोड़ा रुको बेटी, तुम आ जाओ यार। भाई। कैसे हो यार तुम? हाँ ठीक हूँ भाई।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई, चलता हूँ भाई। चलता हूँ मैडम। इस किताब में जो है और तुम जो बता रही वो कुछ भी यकीन करने लायक नहीं है, फिर भी तुम्हें देखते हुए इसे यकीन किए बिना नहीं रह जा सकता। ठीक है, अब मैं क्या करूं ये तुम मुझे बताओ। सर, इस बुक का और हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो कुछ भी चल रहा है उसे देखते हुए मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि शरण आखिर है कहाँ। सर, प्लीज सर। उसके बारे में जानना है तो तुम्हें एक काम करना होगा, वो तुमसे होगा। अभी से 24 घंटे के अंदर तुम्हें गाड़े हुए शव के पास पहुंचना है उस शव को जिस कपड़े में लपेटा गया है उसका एक टुकड़ा ले आओ, फिर बताता हूं। देखकर बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। ए, डरो मत, क्या दिख रहा है बताओ मुझे। ये वैसी कहानी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, और ये अलग अलग कहानी भी नहीं है, ये एक ही कहानी है।
ये कहानी शुरू होती है स्वामी बेलनाडर से, उनके पड़ोस में रहने वाली औरत से। हाँ वो देखो, गलत करने की कोशिश करते समय मेरी बेटी। इसलिए उस औरत ने स्वामी बेलनाडर के परिवार को कोयते से काट के अपना बदला ले लिया। सुबह होते ही घर में काम करने के लिए आने वाली नौकरानी ने सारे गहने लेकर वहां से भागने की कोशिश की। दिल टूटने की वजह से उस लड़की ने नौकरानी पे कार चढ़ा के उसे मार डाला। डर से उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। वो स्वामी बेलनाडर के चावल गोडाउन में जाके छिप गई। तभी गोडाउन बाथरूम क्लीन करने वाला वहां आया। उसके पास से बच के निकल नहीं पाई। प्लीज सेव मी ऐसा खून से दीवार पे लिखकर वो मर गई। बाथरूम क्लीनर ने भी पुलिस से डर के फांसी लगा लिया। किताब में दसवीं कहानी नहीं है, इसे पढ़ने वाले हर एक के पास एक दसवीं कहानी अलग अलग तरीके से होगा। अप्पू, इसके बाद और जाना चाहोगे तो आपके लिए भी खतरा होगा।
अब इसे यहीं रहने दो, इसको ढूंढते हुए वापस मत आओ, तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। इस काम के लिए तुम अब मुझे भी ढूंढते हुए यहां मत आना। कहां चली गई थी तुम, अचानक कैसे गायब हो गई? चलो शरण, इतनी देर से तुम डिक्की में छुपी हुई थी? हाँ,
तुम दोनों के बीच कोई मैटर नहीं होना चाहिए। मैं मेरे पापा के पास जा रहा हूँ। पापा जिससे शादी करने बोलेंगे मैं उसी से शादी करूंगा। हम अभी कहाँ जा रहे हैं? मेरे घर जा रहे हैं। आओ अंदर आओ। पापा मैंने बताया था ना, तो वो दोनों आ गई। थोड़ा वेट करो बेटा। सर इसमें भी। सर आपके साथ एक फोटो खींच लूं क्या? ओह यस। अब मुझे सब समझ में आ गया है। तुम इससे बहुत प्यार करती हो ना, तो तुम ही इसे शादी करो। हे, कहाँ जा रही हो? हे, जरा रुको तो, कहाँ जा रही हो? अरे रुको, बोल रहा हूं ना। शरण तुम्हारा सिलेक्शन था इसलिए मैंने भी उसे प्यार किया। तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे भी नहीं चाहिए। रुक जाओ बेटी, रुक जाओ। जल्दी चल।